असलम स्टूडेंट्स अभी तक हम मुख्तलिफरीटिकल पर्सपेक्टिव्स और प्रैक्टिकल अप्रोचेस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की जो हैं उन पर बात करते आए हैं इस सेशन में हम जिस अप्रोच पर बात करेंगे उसे प्रोजेक्ट स्केलिंग अप अप्रोच कहते हैं पहले मैं इन दोनों टर्म्स को आपके लिए डिफ़ाइन कर दूँ प्रोजेक्ट से मुराद जो है वो एक फिनेट एक्शन होता है एक महदूद टाइम बाउंड कोर्स ऑफ एक्शन जिसमें एक बिगनिंग होती है एक मिडल होता है और एक एंड होता है आप सादा मिसाल अपने कोर्स के प्रोजेक्ट की ले सकते हैं कि आपको एक प्रोजेक्ट असाइन होता है आप उसे शुरू करते हैं उस पर काम करते हैं और फिर ख़त्म होता है तो आप एक प्रोजेक्ट फाइल जो है वो टीचर को हैंड ओवर करते हैं या सबमिट करते हैं बिल्कुल इसी तरह सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोजेक्ट्स अप्रोच है इसके मुकाबले में जब हम स्केलिंग अप की बात करते हैं तो स्केलिंग अप एक ऐसी चीज़ है कि जब आप ख़ास तौर पर जब प्रोजेक्ट अप्रोच कामयाब होती है कोई काम आप एक महदूद मदत में एक ख़ास तरीक़ार को इस्तेमाल करते हुए करते हैं और उससे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ जाते हैं तो फिर आप चाहते हैं कि उस काम को बड़े पैमाने पर किया जाए क्योंकि ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकेंगे और शायद उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी इस चीज़ को स्केलिंग अप कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोजेक्ट स्केलिंग अप अप्रोच जो है वो आम है ज़्यादातर सोशल एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो वन ऑफ के तौर पर शुरू होती हैं किसी ऐसे शख्स को जो कमिटेड था किसी कॉज के साथ कोई आइडिया जहन में आया उसने उसको इनोवेटिवली एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया और उसको इम्प्लीमेंट किया वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया किसी एक इंडिविजुअल के लिए किसी खास ग्रुप के लिए या सोसाइटी के किसी ख़ास हिस्से के लिए और वहाँ से फिर उसको मोटिवेशन मिली कि इसको और माशरे के जो हिस्से हैं और लोग और ग्रुप्स जो हैं उन पर भी अप्लाई किया जाए वहाँ से स्केलिंग अप का कॉन्सेप्ट आता है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिजनेस में होता है लोग छोटा सा एक काम शुरू करते हैं और जब वो कामयाब हो जाता है उनको उस काम की एंट्री कैसी समझ आ जाती हैं तो फिर वो उसको बढ़ाते जाते हैं आपने अक्सर सुना होगा मुख्तलफ़ लोगों को जो काम करते हैं बिज़नेस करते हैं कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है वो पैसे को पैसा खींचने वाली बात है आपकी कॉस्ट कम हो जाती है और प्रॉफ़िट जो है वो ज़्यादा होता जाता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में हमने कहा ज़्यादातर जो इनिशिएटिव्स होते हैं बेस्ड ऑन इनोवेशन प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं जब एक एंटरप्रेन्योर किसी स्मॉलर क्लाइंटेल के साथ किसी एक प्रॉब्लम को फोकस करके उसको सॉल्व या एड्रेस करने की कोशिश करता है जब उसको कामयाबी होती है तो वो खुद या दूसरे लोग जो हैं उसको बड़े स्केल पर उसकी स्केलिंग अप करते हैं उसे बड़े पैमाने पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं स्केलिंग अप की दो तीन खूबियाँ हैं उनमें उसका कॉस्ट इफेक्टिव होना उसका एफिशिएंट होना उसका जो है बड़े ज़्यादा उसके बेनिफिशरीज़ का नंबर जो है वो ज़्यादा होना वगैरह शामिल हैं बिल्कुल इसी तरह सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आपको एग्जांपल्स मिलती हैं स्केलिंग अप की सबसे बड़ी एग्जांपल पिछले किसी मॉड्यूल में हमने अरविंद आई केयर सिस्टम की बात की जो असम्बली लाइन अप्रोच आई केयर के लिए यूज़ कर रहे हैं किसने सोचा होगा कि आप जैसे गाड़ियाँ बनाते हैं एक बेल्ट पे खड़ी करके एक एक पुर्जा रखते जाते हैं इस तरह आई केयर का सिस्टम भी काम कर सकता है और एक बड़ी पॉपुलेशन जैसे इंडिया में छः करोड़ लोग जो हैं अब तक इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट हो चुके हैं तो ये स्केलिंग अप की सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की एक एग्ज़ाम्पल एक है प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोचेस में कुछ फ़ायदे हैं मसलन जैसे ही प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो उसकी इवेलुएशन हो सकती है उसका इम्पेक्ट जो है उसको असेस किया जा सकता है कि जिन लोगों के लिए जिस माशरे के हिस्से के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था वहाँ कितना किस तरह का इम्पेक्ट हुआ बहुत क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली उस इम्पेक्ट को मेजर किया जा सकता है उसको डिमॉन्सट्रेट किया जा सकता है प्रोजेक्ट अप्रोच का एक और फ़ायदा आपको एमरजेंसी और ह्यूमेटेरियन सिचुएशंस में होता है जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं पेंडेमिक्स हैं कोई पहले से प्लानिंग नहीं है तैयारी नहीं है इंसानों ने गवर्नमेंट्स ने ऐसी कोई सिचुएशन पहले कभी देखी नहीं जैसे अभी हमने रिसेंट पास्ट में कोविड नाइनटीन को फ़ेस किया है तो ऐसी सिचुएशंस में प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोचेज़ यूज़ की जाती हैं कि जिन लोगों को कोई इनोवेटिव तरीका समझ आता है उससे वो एक छोटे से पैमाने पर उसको एमरजेंसी में एड्रेस करने के लिए इंटरवेंशन करते हैं सोशल एंटरप्रोरियर और अगर वो कामयाब रहती है तो उसमें से लेसन लर्न करके स्केलिंग अप की जा सकती है। इसी तरह प्रोजेक्ट अप्रोच जो है वो लोगों को बहुत क्लोजली उसमें लोग शामिल होते हैं पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है उसमें आसान हो जाती है और लोगों की एम्पावरमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं जिसका मतलब है कि जो चेंज आएगी उसके सस्टेनेबल होने के इम्कान ज़्यादा हैं उसके मुकाबले में स्केलिंग अप जो है उसके अपने फ़ायदे हैं हमने उसके कॉस्ट इफेक्टिव होने पर बात की कि जब ज़्यादा आप प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट कम हो जाती है ये इफेक्टिव और एफिशिएंट है इस लिहाज से कि जब आप एक ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको मैथ्स लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसकी कंजम्पशन हो रही है और यहाँ पर हम सोशल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं जैसे हमने आई केयर की बात की जैसे हमने मैथ लेवल पे एजुकेशन स्कूल एनरोलमेंट और स्कूल्स में लाइब्रेरी और बुक्स का जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉनिक उसकी बात करें तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप स्केल अप कर सकते हैं बहुत सारे वलनरेबल ग्रुप्स जिनके लिए अदरवाइज उन सोशल गुड्स से फ़ायदा उठाना मुमकिन ही नहीं है सोच भी नहीं सकते वो स्केलिंग अप के थ्रू उन सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं सो so, प्रोजेक्ट और स्केलिंग अपूमा तो इकट्ठे होते हैं लेकिन बात सोशल एंटरप्रेन्योर जिसका ओरिजिनल आइडिया होता है जिसने एक प्रोजेक्ट पर काम किया है वो नहीं कर सकता उसे स्केलअप या नहीं करना चाहता बल्कि वो किसी नए आइडिया पर स्विच कर रहा है तो और लोग जो हैं वो स्केलिंग अप का काम कर सकते हैं इस लिहाज से ये अप्रोच फ्लैक्सीबल है और सोशल एंटरप्रेन्योर और सोशल इश्यूज की नेचर को सूट करती है थैंक यू